जी, 11th के बच्चों आ जाइए। आज बच्चों आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करने का प्रोग्राम है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो आपके 11th क्लास के लिए बहुत बेसिक चैप्टर है। और जब हम जर्नल एंट्रीज तक पहुंचेंगे आगे, तो उन जर्नल एंट्रीज जो कि अकाउंट्स के लिए बिल्कुल बेस समझा जाता है, उसके लिए हमारे को पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सीख लेना चाहिए। क्योंकि इस चैप्टर को सीखने के बाद बच्चों, उस चैप्टर को सीखने में हमें बहुत हेल्प होने वाली है और काफी अच्छे से हम उसको सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो बच्चों, इस तस्वीर में जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी। ये कुछ रटने की चीज नहीं है, ये चीज मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर के अंदर बच्चे प्रूव करके दिखाई थी, ठीक है। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है, अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म लेक्चर रहेगा सेकंड होना चाहिए, सेकंड या थर्ड, उसको देखें। वहां पर ये चीज प्रूव भी करी थी कि द टोटल ऑफ द एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक बिजनेस में जितने रुपए की टोटल एसेट्स होती हैं, उतने की ही टोटल लाइबिलिटीज होती हैं। और जो लाइबिलिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो इंटरनल लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटी कह लीजिए, या फिर क्या कह लीजिए, कैपिटल। क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी बच्चे, बिजनेस ने किसके पैसे वापस करने हैं, बिजनेस के मालिक के। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मींस बिजनेस ने किसके पैसे वापस करने हैं, एक्सटर्नल पार्टीज के, एक्सटर्नल लोगों के। तो ठीक है, दोनों लाइबिलिटीज का सम कर देंगे तो टोटल ऑफ एसेट्स के बराबर आ जाएगा, राइट। और बच्चों उसको जब हम एक इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको बैलेंस शीट बोल देते हैं। राइट हैंड साइड पे आप एसेट्स शो कर देते हैं सारी की सारी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और दूसरी तरफ बच्चे क्या शो कर दिया, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मींस सॉरी इंटरनल लाइबिलिटी, और ये रहे आपके क्रेडिटर्स, बीपी एंड लोन, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। टोटल चेक करिए, 5 लाख, 5 लाख ये होता ही है। और हम बिजनेस के अंदर बच्चे कितनी भी ट्रांजेक्शन कर लें, हमेशा अल्टीमेट इंपैक्ट जो है वो ये रहना ही है कि टोटल ऑफ द एसेट्स विल ऑलवेज इक्वल्स टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हो ही नहीं सकता बच्चों कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजेस आए, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव आए, नो, इट इज इम्पॉसिबल। मैं इस लेक्चर में, इस क्लास में आपसे कुछ इस तरह की ही ट्रांजेक्शन बच्चे डिस्कस करने वाला हूं, जिन ट्रांजेक्शंस की बेसिस पे हम लोग एनालाइज करेंगे, यस इट इज ए फैक्ट, ये तो सेम ही रहने वाला है, और इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। मैं इस क्लास में कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा बेटे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का। इस क्लास में हम लोग ने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त हमारे को जो नॉलेज काम में आने वाली है वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज लेनी है बस अभी इस क्लास में हमने। ओके, चलिए कुछ ट्रांजेक्शंस की मदद से हम इसको सीखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख। एनी पर्सन, कोई भी इंसान, उसने 1 लाख रुपया लगाया, बिजनेस को स्टार्ट किया। अब सोचना हमें है बच्चे कि इससे ऐसा कौन कौन से हेड पर, कौन कौन से अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो जरा सोचिए बच्चे, बिजनेस के अंदर जब बिजनेस के मालिक ने पैसा डाला तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एक तो बिजनेस के अंदर कैश
बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा इंपैक्ट बच्चे क्या पढ़ने वाला है, बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ जाएगी। याद करिए अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर मैंने बताया था बिजनेस का मालिक जितना पैसा बिजनेस में लगा देता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको कैपिटल कह देते हैं। सो कैपिटल इंक्रीज होगी क्योंकि बिजनेस की एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी है कि बिजनेस के ऑनर के पैसे वापस करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड वन द कैश ऑफ द बिजनेस विल आल्सो इंक्रीज। तो दोनों बातें ये जो है आपको दिख रही है ये इंपैक्ट होंगी। तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। अब कैश का बढ़ना मतलब क्या बच्चे, एसेट का बढ़ना, और कैपिटल का मतलब, मतलब अगर मैं कैपिटल को सी से रिप्रेजेंट कर दूं तो कैपिटल का बढ़ना मतलब सी फॉर कैपिटल का बढ़ना। मैंने क्या बताया आपको, जितना चेंज एसेट्स पे आएगा उतना ही चेंज आना चाहिए कैपिटल और लाइबिलिटीज के सम पे, टोटल पे। यहां फिलहाल इस ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटीज का इंपैक्ट तो कोई हुआ नहीं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी आई मीन, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब एसेट में जितने रुपए का राइज आया है बिल्कुल सेम वो राइज आया है कैपिटल पे, कीपिंग द इंपैक्ट ऑन द लाइबिलिटी जीरो। राइट, डन। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप इस चीज को चेक कर सकते हो, जितना इंपैक्ट एसेट पे आएगा उतना ही इंपैक्ट कैपिटल और लाइबिलिटीज के सम पे आएगा। राइट, चले आगे बढ़े, एक और कुछ ट्रांजेक्शन से समझाता हूं आपको। बोरोड रुपीज 10,000 फ्रॉम सन, सन से 10,000 रुपए बोरो किए, सन सन कोई एक्सटर्नल पार्टी है, उससे 10,000 रुपए बोरो किए, लोन लिए, क्या इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों। नंबर वन, एक तो बिजनेस में सर कैश बढ़ जाएगा यानी एसेट बढ़ जाएगी, कितने से, 10,000 रुपए से, एक। दो, सेकंड इंपैक्ट, जो सन है वो बन गया कौन, लेंडर, उससे लोन लिया, बोरो किया, पैसा बोरो किया, कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी हमारी, किसके नाम से, लोन के नाम से, क्योंकि हमारे बिजनेस ने सन से लोन लिया है तो लोन के पैसे इन फ्यूचर वापस करने हैं, तो लोन नाम से, लोन इंक्रीज होगा, मतलब क्या इंक्रीज होगा बच्चे, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, कितने की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वही सेम 10,000 रुपीज पे एसेट पे फर्क पड़ा 10,000 रुपए का, लाइबिलिटीज पे फर्क पड़ा 10,000 रुपए का, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हो गया ना बेटा, जितना इंपैक्ट एसेट पे आया उतना ही इंपैक्ट किस पे आया, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल पर। ये देखो मैं यहां पर क्लियर करता हूं आपको, एसेट्स पर कितने का इंपैक्ट आया, 10,000 का, लाइबिलिटीज पे कितने का इंपैक्ट आया, 10,000 का, कैपिटल पे कितने का इंपैक्ट आया, 0 रुपए का। तो हो गया ना 10,000 इज इक्वल टू 10,000, बस इतना मान के चलो। जितना इंपैक्ट एसेट्स पे आएगा, बार बार बोल रहा हूं, उतना ही इंपैक्ट हर बार हर ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम पे आएगा। अगर आता है तो आपने वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही परफॉर्म करी है, नहीं तो गलत किया। थर्ड, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000, आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है कैश में खरीदा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000, बच्चे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला, एक तो बच्चों आपके बिजनेस के अंदर एक एसेट बढ़ जाने वाली है फर्नीचर के नाम से, फर्नीचर के नाम से, फर्नीचर एसेट होता है बिजनेस का, बढ़ जाने वाली है, कितने की एसेट बढ़ जाने वाली है, 10,000 रुपए की। और दूसरा इंपैक्ट बच्चों क्या पड़ने वाला है कि कैश नाम की जो एसेट है वो घट जाने वाली है, वो भी कितने हजार से, सर वो भी 10,000 से। यानी फर्नीचर के नाम से एसेट बढ़ जाने वाली है और कैश के नाम वाली एसेट, कैश वाली एसेट जो है वो घट जाने वाली है। सो ऑल ओवर एसेट्स पर कितने का फर्क पड़ेगा बच्चे, सर एसेट पर तो सर 0 रुपए का फर्क पड़ जाएगा, 10 की ही बढ़ेगी 10 की ही घटेगी सर, ये तो 0 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। और बेटा
जहां तक इस ट्रांजैक्शन में और इंपैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द लायबिलिटी, देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द कैपिटल. सो अगेन वही वाली बात है, द इंपैक्ट ऑन द एसेट्स विल बी इक्वल टू द इंपैक्ट ऑन द लायबिलिटीज प्लस द इंपैक्ट ऑन द कैपिटल. दैट इज इंपैक्ट असर इफेक्ट एसेट पे कितने का आएगा, जीरो. लायबिलिटीज पर जीरो, कैपिटल पर जीरो. तो जीरो इज इक्वल टू जीरो. हमारा लॉजिक समझो बेटे बात का, लॉजिक ये है कि जितना इफेक्ट एसेट पे आएगा उतना ही इफेक्ट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम पे आएगा, ये होना चाहिए. डन. थ्री, द नेक्स्ट वन इज द फोर्थ, परचेज गुड्स फॉर कैश. आपने गुड्स खरीदी है, कितने में क्या खरीदी है आपने, नगद में खरीदी है, कितने खरीदे बच्चे, 20,000 रुपए से. बेटे जब आप गुड्स खरीदते हो उसका जो इंपैक्ट डालना है वो आपने स्टॉक पे डाल देना है. स्टॉक, स्टॉक नाम से आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी. कितने से इंक्रीज हो जाएगी बच्चे, 20,000 से. और जब आपने गुड्स खरीदे तो दूसरा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा बच्चे, कैश के ऊपर. कैश भी क्या है, एसेट है. कितने रुपए का चला गया, 20,000 रुपए का चला गया सर. 20,000 से एसेट बढ़ी, 20,000 से एसेट घटी, एसेट्स के ऊपर इंपैक्ट कितना पड़ गया, जीरो. और लायबिलिटीज और कैपिटल पर भी जीरो. और जो टारगेट बताया था वो फुलफिल फिर से हो रहा है. फोर, फाइव, परचेज गुड्स फ्रॉम मून ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000. आपने मून से गुड्स खरीदी हैं, उधार में खरीदी हैं 30,000 रुपए की. बेटे सबसे पहला क्या होगा, स्टॉक. गुड्स खरीदी हैं, स्टॉक, एसेट बढ़ गया. कितने से बढ़ गया, 30,000 रुपए से. एसेट बढ़ गई 30,000 रुपए से. और दूसरा बच्चों क्या होगा, सेकेंड, सोचिए सोचिए. कैश नहीं गया बेटा, उधार में खरीदी है, उधार में कैश नहीं गया. मून कौन बन गया आपके बिजनेस का, जिस बंदे से आप उधार में सामान खरीदते हो वो बंदा कौन बन जाता है आपके बिजनेस का, क्रेडिटर, लेनदार. बेटे ये जो टर्म्स बीच बीच में आ रही हैं ये पिछले लेक्चर्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम सीख चुके हैं. जो बच्चा उन लेक्चर्स को बिना देखे इसको देख रहा है, इस लेक्चर को देखने की कोई सेंस नहीं बनती फिर. ठीक है बेटा, पहले वो देखिए तभी यहां पर इस लेक्चर को सुनिए. तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए हमारे बिजनेस के, यस सर. क्रेडिटर्स ना, क्रेडिटर्स क्या होते हैं बिजनेस की, लायबिलिटीज. लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, कितने की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई सर, 30,000 से इंक्रीज हो गई. कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं सर, तो बताइए मुझे जितना इंपैक्ट एसेट्स पे पड़ा, टोटल एसेट्स पर पड़ा उतना ही इंपैक्ट आप चेक करो, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम पे पड़ा है. ये देखो यहां कितने का इंपैक्ट है एसेट्स पे, 30,000 रुपए का. लायबिलिटीज पे कितने का इंपैक्ट है सर, 30,000 रुपए का. बेटा कैपिटल पे कितने का इंपैक्ट है, 0 रुपए का. हो गया 30,000 इज इक्वल्स टू 30,000 एंड दैट्स इट. ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस मैं पांच ये बातें ही आपसे डिस्कस करनी है. आप लोग इस क्लास को दोबारा सुने और इन पांचों को दोबारा से अंडरस्टैंड करें. ओके, मिलते हैं बच्चों आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट टू में, मिलते हैं आपसे.